बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल माज दाल। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। ढाबा स्टाइल माज की दाल बनाने के लिए सबसे पहले माज की दाल ली है मैंने 1.5 कप। इसे मैंने 1 घंटा गर्म पानी में भिगोया है। उसके बाद 80% इसे बॉईल कर लिया है, कोई नमक वगैरह इसके अंदर शामिल नहीं किया है मैंने। और कम पानी में इसे मैंने बॉईल किया ताकि इसका आखिर में जो पानी बचे वो मुझे फेंकना ना पड़े, क्योंकि इस तरह सारी गजाइत और सारा जायका जो है वो दाल का ख़त्म हो जाता है। तो ये 1 कप पानी बचा के मैंने अलग से निकाल के रखा है। मैं पानी की जगह इस दाल में यही दाल का पानी इस्तेमाल करूँगी। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसे मैंने 4 खाने का काट लिया, यानी कि जिस तरह हम ऑमलेट के लिए काटते हैं। और 3 छोटे साइज़ के टमाटोज लेके, यानी कि टमाटर लेके मैंने उनकी जिल्द उतार के, यानी कि छिलका उतार के और उसे गोल गोल स्लाइस कर लिया। इस तरीके से टमाटर काटने से ये जल्दी गलते हैं। जो मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसमें नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। साथ ही हम 3 अदद हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राउंड में इनको काट के हम इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हम अदरक इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ये जो मैंने जूलियन काटी है ये मैं सिर्फ गार्निशिंग के वक्त यूज़ करूँगी। दही जाएगा इसके अंदर 1/4 कप या तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे। हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे इसमें इस्तेमाल होगा। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/2 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच भर के, और दोनों चीज़ें बराबर की पीस के फिर 1 चाय का चम्मच भर के इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऑप्शनल है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ये है हींग। ये गीली हींग है, तो इसका सिर्फ इतना, एक समझें 1 छालिया के दाने के बराबर का टुकड़ा इसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन इंडिया के अंदर ये सूखी मिलती है, पाउडर फॉर्म में मिलती है, और दूसरी जगहों पे किस तरह मिलती है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आपने गीली ली है तो आप इसके अंदर से ये बिल्कुल 1 छालिया के दाने के बराबर इस्तेमाल करेंगे, छोटा सा टुकड़ा। और अगर सूखी ली है तो 1 चुटकी भर के इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सूखी मेथी जाएगी, और ऑयल जाएगा इसके अंदर 1/2 कप। आप इसे घी में भी बना सकते हैं क्योंकि ढाबा स्टाइल में ये घी में बनती है। तो सबसे पहले मैंने 1/2 कप के करीब घी डाला है एक कढ़ाई के अंदर, और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी हींग। हाथ से इस तरह से मसल लूंगी इसे। साथ ही इसमें जाएगी चॉप की हुई अदरक। और इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके हम प्याज को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे। अब इसके अंदर चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही ये तमाम मसाला चला जाएगा। मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। मसाला भूनने के लिए हम इसी के पानी में से थोड़ा सा पानी डालेंगे जो हमने दाल के लिए बचाया था, और हम कवर करके 2 मिनट के लिए मसाले को पका लेंगे। तेज आंच पे 1 मिनट में मैंने मसाला भून लिया है। अब इसके अंदर ये टमाटर चले जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर टमाटर गलाने के लिए। कवर करेंगे और टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे तो टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो तेज आंच के ऊपर मैंने अब टमाटर का तमाम पानी भून लिया है, और टमाटर देख लीजिए बिल्कुल पेस्ट की तरह हो गए। अब इसके अंदर चली जाएगी ये माश की दाल। तेज आंच के ऊपर अच्छे तरीके से हम मसाले के साथ दाल को भूनेंगे। अब हम इसी वक्त इसके अंदर दही डाल देंगे।
मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब जितने काम होने वो तेज आंच के ऊपर ही होने, सब चीजें हम भून के और फिर जो हमने दाल का पानी बचाया था उसे डाल के हम दाल को 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बस ये उसमें ही रेडी हो जाएगी। तो अब तेज आंच के ऊपर मैं दही भी भून रही हूँ और इसी वक्त मैं हरी मिर्चें काट के डाल दूंगी। तो हमने दही भून लिया है तेज आंच पे और ऑयल जो है साइडों से ऊपर आने लगा है, बस अब हम इस वक्त इसके अंदर तमाम जो चीज़ें बाकी हैं वो डाल देंगे। इसमें चली जाएगी मेथी, ये मैंने धो के रखी है, साथ ही चला जाएगा गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रोक रही हूँ, और ये 1 कप पानी जो मैंने दाल का बचा के रखा था। मिक्स करते हैं इसे। दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है, बस सिर्फ हमने इसको इतना पकाना है कि जितना हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उतनी रह जाए। अगर बिल्कुल खुश्क रखना है तो आप बेशक पानी कम डालिएगा। तो इसे मैं धीमी आंच कर रही हूँ और मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर गए हैं और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, तो मैं स्टोव ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो हमारी मज़ेदार ढाबा स्टाइल माज दाल बिल्कुल रेडी है। आप इसी रेसिपी से चने की दाल भी बना सकते हैं ढाबा स्टाइल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपको एक काम करना होगा कि उसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा। तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मुझे अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस भेजते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।